वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे, सिंध हुकूमत ने करोड़ों की लागत से यूनिवर्सिटी रोड तो बना दिया, मगर गुलशन इकबाल की पहचान हसन स्क्वायर पर 8 सालों से टूटा हुआ नाला कई बार यकीन दहानियों के बावजूद भी दुरुस्त नहीं किया जा सका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम म्यूनसिपल आवर। नाज़रीन, जो हालिया इंतखाबात हुए हैं, आम इंतखाबात मुल्क भर में, उसके नतीजे में तब्दीली आ गई है सूबाई सतह पर और वफाकी सतह पर हुकूमतों में चेहरे तब्दील हो गए हैं, सियासी जमातें जो हैं वो कुछ तब्दील हो गई हैं, कुछ वही पुरानी हैं। सिंध की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी जो है वो बदस्तूर बरकरार है। इसका सबसे बड़ा शहर ना सिर्फ इसका सूबा सिंध का बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर शहर कराची जो है वो मुख्तलिफ मसाइल से दो चार रहा माजी की हुकूमतों में भी, और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जो बुनियादी मसाइल हैं शहरियों के वो हनूज हल तलब दिखाई देते हैं। सर शाह सुलेमान रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आता है। हसन स्क्वायर का ये मकाम है, हसन अपार्टमेंट के एन सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन आसिफ नूर मेरे अकब में दिखाएंगे आपको कि ये मसरूफ तरीन सर शाह सुलेमान रोड की शाहरा है जिसमें हसन अपार्टमेंट के एन सामने जो है ये एक नाला है जो कि हंगामी बुनियादों पर इसको तोड़ा गया था तकरीबन 8 साल कबल निकासी आपके सिलसिले में, लेकिन उसके बाद हुक्मरान जो है इस नाले को दोबारा तामीर करना भूल गए। बताता चलूं, इस शाहरा की अहमियत कुछ इस तरह है कि इस शाहरा से मुंसलिक है एक्सपो सेंटर जहां के वक्तन फवक्तन जो है मुख्तलिफ बैन लक्वामी नुमाइश जो हैं वो होती रहती हैं, गैर मुल्की मंदुबीन इस शाहरा से गुजरते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा आगे जाएं तो नेशनल स्टेडियम है जहां पे इंटरनेशनल लेवल के जो मैचेस हैं वो उनका इनेकाद होता रहता है। गुज़िश्ता दिनों भी वो इनेकाद हमने देखा कि हुआ, लेकिन इन तमाम तर अहम मकामात के होने के बावजूद पोश इलाका जो है उसका दर्जा रखता है ये इलाका, पोश इलाका होने के बावजूद किसी ये जो अहम शाहरा है ये किसी कच्ची आबादी की सड़क का मंजर जो है पेश कर रही है, और ये एक या दो रोज़ या महीने दो महीने की बात नहीं है, 8 साल गुजर गए हैं सूरत हाल को। इसी दौरान जो है करोड़ों रुपए मालियत से जो है वो यूनिवर्सिटी रोड की तामीर की गई, और यूनिवर्सिटी रोड की तामीर के साथ साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन की निकासी के लिए जो है वो लाइनें भी बिछाई गई, नई लाइनों की तंसीब हुई रोड के मेरे बाएँ जानिब, लेकिन इस मकाम को जो है वो ताहाल रिपेयर नहीं किया जा सका है। शदीद किस्म की मुश्किलात जो हैं यहाँ पे दरपेश हैं इस नाले की वजह से यहाँ मकामी जो रिहायशी हैं उनको, जबकि कारोबारी हजरात जो है वो बिल्कुल तबाही के दाने पर पहुँच चुके हैं इस नाले की और इस गंदगी की और इस खुले हुए स्पेस की वजह से। बेशतर जो दुकानदार हैं वो यहाँ से दुकानें बंद करके अपना कारोबार समेटने पर मजबूर हो गए हैं। बताता चलूँ आपको कि मच्छरों की बौतात रहती है इस खुले हुए नाले की वजह से। डेंगी फीवर की अगर बात की जाए तो सुबह सिंध में डेंगी का जो फीवर है वो मच्छरों के काटने से ये मर्ज़ फैलता है। इसकी सबसे ज़्यादा शरह जो है वो कराची में है। पहले भी आपको आगाह किया कि कराची में सबसे ज़्यादा डेंगी फीवर के हवाले से जो मुतासरा इलाका है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। नौबत यहाँ तक है कि हफ्ते में जो केसेस सामने आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा तादाद बल्कि बाज़ औक़ात तो टोटल तादाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से ही ताल्लुक़ रखती है डेंगी फीवर में मुब्तला होने वाले मरीजों की, और उसकी वजूहत यही हैं कि लीकेजेस हैं और पानी के और सीवरेज के जो वो खुले मकाम हैं। तो बात हो रही थी सर शाह सुलेमान रोड के इस नाले की, कुछ मकामी अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, फिर मज़ीद मैं आपको बताऊंगा कि इस नाले की तामीर जो है वो क्यों नहीं हो सकी। यहाँ के जो मकामी एक रिहायशी हमको मिले हैं जो कि इस नाले की दगरगुं सूरत हाल पर बात करेंगे, वो सिविल इंजीनियर भी हैं, कुछ टेक्निकल बातें भी इन्होंने ऑफ द कैमरा हमको बताई हैं, आइए आपको भी सुनवाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा। ये जो नाला खुला हुआ है इस नाले की, पहले तो आप टेक्निकल मुझे पॉइंट बता दीजिएगा कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। जी आपने बड़ा अच्छा किया, एक तो यहाँ आकर के और सालों गुजर गए इन चीज़ों को, कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको सोचे कि जी हम इसको बनाना है, क्योंकि जिस वक्त हंगामी बेसिस पे इसको तोड़ा गया था, तोड़ा इसलिए गया कि तो पीछे से लाइन ओवर फ्लड हुई थी, ओवर फ्लड होने की वजह से कहीं से
पानी निकल नहीं रहा था तो यहाँ से तोड़ के निकाला गया था, ये कहा गया था अगले हफ्ते हम बना देंगे, और वो अगला हफ्ता जो है सीजनली सीजन पे सीज़न आ रहे हैं और चला जा रहा है। अब जो इस वक्त जो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये बॉक्स कलवर्ट है और स्ट्रॉम की लाइन थी, अच्छा स्ट्रॉम की लाइन को लोगों ने सीवरेज में तब्दील कर दिया, तो एक तो नुकसान ये हो गया कि जी ये ओपन नाला है और सीवरेज में तब्दील हो गया है। उसके बाद इसकी इसमें जो है इसकी जो साइड में बिल्डिंग है इसमें डिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया है, क्योंकि कलवर्ट्स की वॉल जो है वो भी ख़त्म हो गई है। वॉल ख़त्म होने के बाद पानी और सल्फेट जो है वो उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से ये सेटलमेंट्स हो रही है, और सेटलमेंट्स होने से बिल्डिंग डिफ्लेक्शन पे आई है। एक तो ये हो गया टेक्निकल के, ये अगर नहीं बनाते हैं तो ये बिल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप देखें ये कौन बहुत ही नया बिजी रोड है, और इस बिजी रोड पर होने के वजह से ट्रैफिक है इस पर, रात को अंधेरा होता है कि इसी भी माशाल्लाह है कोई लाइट नहीं है कोई कुछ नहीं है, जिस वजह से आए दिन कभी कोई खातून मोटरसाइकिल पर जा रही हैं, ये इसको अगर आप कैमरा यहाँ ले जा सकें तो दिखा सकते हैं कि इसमें आके घुस जाते हैं वो जी। इसके अलावा मतलब लूट मार भी यहाँ पे रहता है, वो छुप के इधर जाना चाहते हैं गटर में, कितनी गाड़ियाँ गटर में, मोटरसाइकिलें तो अनगिनत। अभी भी कोई 5-6 दिन पहले एक खातून मोटरसाइकिल वाली थी, अंदर चली गई थी। तो बहरहाल कराची का अल्लाह हाफिज़ है, क्या क्या जा सकता है। अच्छा ये फरमाइए आपने कि हादसात की तो आपने सही बात की, हमने भी कई केसेस रिपोर्ट किए हैं कि यहाँ पे मोटरसाइकिल वाला रात के औकात में जब लोड शेडिंग होती है तो वो अनजाने में इसमें गिर जाते हैं, तेज़ रफ्तार कई मरतबा गाड़ियाँ भी जो हैं इस नाले में गिर चुकी हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं, शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। ये फरमाइएगा कि इस सूरत हाल की बेहतरी के लिए कुछ इत्तलात ये थी कि यहाँ के जो रिहायशी हैं उनकी जानिब से सूबाई मौतसिब को भी लिखा गया था, कुछ अप्रोच किया आपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट से, क्या कहना है उनका? जितने भी मुमकिन डिपार्टमेंट्स हैं हर जगह अप्रोच की जा चुकी है, और वो डिपार्टमेंट्स ये कहते हैं कि जी इस वक्त हमारे पास बजट नहीं है, लेट द मतलब नेक्स्ट बजट जैसे ही आता है हम उसके अंदर इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे, इसको कर देंगे। ये पिछले 3 या 4 साल से मैं सुन रहा हूँ कि जी इस बजट में हमारे पास फ़ंड नहीं है, अगले बजट में फ़ंड होगा हम इसको कर देंगे, और ये 4 साल तकरीबन गुजर गया है इसको करते हुए। ये सुनी गुफ्तगू आपने, इनका कहना ये है कि 4 साल तो इनको दरख्वास्तें देते हुए हो गए लेकिन तस्से मस नहीं हो रही है, इंतज़ामिया किसी भी सतह पर इनकी जो सुनवाई है वो होके नहीं दे रही है। बताता चलूँ आपको कि इस नाले के साइड इफ़ेक्ट जो है वो बेशुमार हैं। चीदा चीदा आपको बता दूँ कि मेरे कैमरामैन आसिफ नूर ये कुछ शॉप्स दिखाएंगे जो कि बंद हुई हुई हैं, इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये यहाँ पे लाखों रुपए की लागत से जो है यहाँ पे कारोबार का आगाज़ तो किया गया था, लेकिन इस नाले के खुले होने की वजह से और कस्टमर्स का रुझान या ना होने की वजह से, गंदगी और गलाजत की वजह से कारोबार जो है वो उनको समेटना पड़ा और यहाँ से रुखते सफ़र बांधना पड़ा। ये भी आपको बता दूं कि खतीर लागत से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यूनिवर्सिटी रोड तामीर की गई, यूनिवर्सिटी रोड के तामीर के साथ ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन जिसको अब सेवरेज का नाला भी कहा जा सकता है, क्योंकि शहर के जहाँ दीगर नालों के बरसाती नालों के साथ जो मामलात पेश आए वही सूरत हाल हमें यहाँ पर भी दिखाई देती है। यहाँ का भी ये जो बरसाती नाला है इस वक्त एक सेवरेज नाले में तब्दील हो चुका है, और इसमें सेवरेज के कई कनेक्शन हैं जिसकी वजह से तआफ़ुन भी यहाँ पर उठता है। मकामी रिहायशी जो है वो शदीद परेशानियों से दो चार हैं। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इसकी जो सीलन है, जैसा कि अभी मकामी सिविल इंजीनियर जो हैं उन्होंने हमें बताया कि इसकी जो सीलन है वो आहिस्ता आहिस्ता जो ज़मीन है उसको निगलती जा रही है, और इसकी सीलन बढ़ती जा रही है, और वो वक्त दूर नहीं है जब इस नाले की अगर रिहैबिलिटेशन पर तवज्जा ना दी गई तो ये जो हसन अपार्टमेंट है इस हसन अपार्टमेंट की बिल्डिंग को खतरात लाक हो जाएं। कराची की अगर बात की जाए तो ख़तरनाक जो इमारतें हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हर साल उनका इजरा करती है बरसात के मौसम से कबल, और वहाँ के मकीनों को जो है वार्निंग जारी की जाती है, लेकिन काबिले तशवीश बात यह है कि सालाना बुनियाद पर इन मखदूश इमारतों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। कहीं इमारतें जो हैं वो अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर चुकी हैं, और कहीं यही वो मामलात हैं ज़ेर ज़मीन निकासी आपका निज़ाम दुरुस्त ना होने की वजह से जो बुनियादें हैं वो इमारतों की खोखली हो रही हैं। शहर
वैसे ही कॉन्क्रीट का जंगल बनता जा रहा है, लेकिन इस कॉन्क्रीट की बहाली और इसके तहफ़ के लिए इदारों की कारकर्दगी जो है वो ना होने के बराबर दिखाई देती है। कुछ कारोबारी हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें इन सारे मामले में जो है इस नाले की वजह से क्या मुश्किल हैं ये उनसे जानते हैं। लादेन, अमूमन ये रहा है कि पोश इलाके में मसाइल के लिए अगर हम रुख करते हैं तो वहाँ पे बात करने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन खुशकिस्मती इसे कहिए कि इस वक्त जो हसन स्क्वायर की जो कारोबारी अंजुमन है उसके अहम जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। सदर हैं ये यहाँ की अंजुमन के, बहुत शुक्रिया सर। ये फरमाइएगा कि ये नाला जो खुला हुआ है इससे कारोबारी तबके पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अर्ज यह है, कारोबार तबाह बर्बादी की तरफ पहुँच चुका है। एक बात, ये पीपल्स पार्टी दौर के अंदर ये भी नाला इन्होंने खोदा था, उस वक्त हमने इस पर एतराज़ात किए थे, तो उन्होंने ये कहा जी इसको इंशाल्लाह इसको हम बंद करेंगे, इस काम को कंप्लीट करेंगे, उस पर नहीं हुआ। उसके ऊपर उन्होंने एप्लीकेशनें लगाई, फिर हमने 3 साल पहले कमिश्नर कराची से मीटिंग की, उसमें भी हम गए और मुख्तलिफ मेडिसिन ताजिर इत्तेहाद के तहत पैनल पे बैठे थे, तो उसके अंदर हमने इसका भी जिक्र किया। मुख्तलिफ लोगों मुख्तलिफ एप्लीकेशनें लगाई हमने हर फोरम पे, बाकी कोई पुरसाने हल नहीं है। आज ये है, जाहिर है, अब मैं तो अर्ज ये करूँगा भाई, अगर पीपल्स पार्टी सिंध की नुमाइंदा जमात है, जाहिर है वो काम करके दिखा सकती है तो वो करके दिखा दे इसको, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो कर सकते हैं तो वो कर दें, या कोई और लोग कर सकते हैं तो वो करके दिखाएं। असल ये जुल्म की इंतहा है, यहाँ पे गाड़ियाँ गिरी हैं, लेडीज़ गिरी है, या कोई पुरसान हल नहीं है। पहले भी मीडिया आई, कोई सुनाई नहीं गई। यहाँ पे ऐसे ही मामला थाने पुलिस के मामला भी आते हैं, वो ये हैं, हम थाने वालों को भी यही बात कहते हैं, भाई अगर किसी किस्म का कोई जराइम कोई मार्केट के हवाले से कोई बात आती है तो हमसे लिंक करें, हमारा बंदा डायरेक्ट नहीं उठाएं। इसलिए जाहिर है हमारा जो है ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध ताजिर इत्तेहाद। आप मुझे ये बताइए कि इस बरसाती नाले के इतराफ़ में देख रहा हूँ कि कोई स्ट्रीट लाइट भी मौजूद नहीं है, रात के औकात में क्या सूरत हाल होती है? क्योंकि शहर के बाज़ इलाकों में जो है वो स्ट्रीट क्राइम का जो रेशू है वो बढ़ा हुआ है। अच्छा, उसमें जो टूटी फूटी सड़कें हैं, खुले हुए नाले हैं, अमूमन वहाँ पर गाड़ियाँ स्लो होती हैं, तो उस वजह से जो है वो छीना झपटी की वारदात ज़्यादा होती हैं। इस नाले की वजह से इस किस्म की कोई प्रॉब्लम सामने आ रही है? या तो बहुत ज़्यादा है, बरसात नाला है, ये तो गंदा गटर लाइन है ना, गंदा नाला है ये, बरसाती नाला हम इसको करार नहीं देंगे, इसको सारी लाइनें इसी में शामिल हुई हैं। अर्ज ये है, यहाँ पे ज़ाहिर है लाइट ना होने की वजह से लाइटों के लिए भी हमने एप्लीकेशन लगाई हुई, हमारी एप्लीकेशन मौजूद हैं जिनके अंदर हमने जिक्र किया गया है यहाँ पे डकैतियाँ चोरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसका रोज़ का मामूल है। असल वजह सारी ये है, बुनियादी वजह है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। आज का थोड़ी ही नाला, यहाँ पर अमूमन रात के अंदर कोई ना कोई गिर जाता है, गाड़ियाँ अमूमन नीचे गिरती हैं, कोई परेशान हाल तो हो, कोई पूछने वाला तो हो यहाँ पे। अच्छा, जिस वक्त ये बताइए कि जिस वक्त ये यूनिवर्सिटी रोड की तामीर हो रही थी तो कहा यह गया था कि यूनिवर्सिटी रोड का जो बरसाती पानी की निकासी की लाइन है वो यहीं से गुजर रही है जो कि आगे जाके नदी में गिर रही है। रोड के उस जानब जो है यानी हसन स्क्वायर से गरीबाबाद जाने वाले ट्रैक पर तो काम हो गया, इस ट्रैक पर काम नहीं हुआ, तो इस सिलसिले में जो ताजिर बरादरी है उसकी तरफ से क्या अप्रोच की गई? और सुनने में यह भी आया है कि सूबाई मोहतसिब से भी रुजू किया था आपने, कहां तक पहुंचा हो केस? देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, अर्जी है हमने यहां पे जो इसके नाम के जो मामला थे उसके लिए मुख्तलिफ जो नुमाइंदा महकमे हैं उन लोगों से रबते किए हमने, उन लोगों ने कहा इंशाल्लाह आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ये मसाइल हल हो जाएंगे, जबकि बनना ये था, स्टार्ट ये हो रहा था, उसके अपोजिट चले गए वो। इसलिए वहाँ जाहिर है जहाँ जिसकी अप्रोच होती है वही काम करती है, जबकि ताजिर बरादरी आंसुओं से रो रही है। और ये वो मार्केट है, इसको जो है 45 साल हो गए, जो गुलशन इकबाल आबाद करने वाली वाहिद मार्केट है ये, जो सबसे बड़ी मार्केट है जो चलाती है, पूरे पाकिस्तान में नाम है इस मार्केट का, अलमिया है। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि 45 साल कदीम ये मार्केट जो कि पूरे गुलशन इकबाल को आबाद करने का ज़रिया बनी, मेन पॉइंट मेन रोड से मुंसलिक ये गुलशन इकबाल का हसन स्क्वायर जो है वो एक ख़ास पहचान है, लेकिन इस अहम तरीन शारा का जो हाल है वो आपने देख लिया। यहाँ पर एक रिहायशी हैं जो कि पेशे के एतबार से बैंकार हैं, उन
की भी कुछ लॉजिकल गुफ्तगु हुई है हमसे ऑफ दी कैमरा, ऑन कैमरा आपको सुनवाते हैं। सर बहुत शुक्रिया, फरमाइएगा कि लॉ क्या कहता है, कितने टैक्सेस यहाँ के लोग पेड करते हैं और डिफॉल्टर लोगों की तादाद क्या है, क्या डिफॉल्टर ज़्यादा हो गए हैं जो इंतज़ामिया उनके मसाइल हल करने पर तवज्जो नहीं दे रही। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। जहाँ तक सवाल है टैक्सेस पे करने का, तो ये मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे अपार्टमेंट्स, आप किसी का भी यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड उठा के दे दें, हार्डली आपको 1% होगी, शायद वो भी डिफॉल्टर नहीं कह सकते, लेट पेयर कह सकते हैं, वो मिलेंगे आपको। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे इस पूरे एरिया में टैक्स पेमेंट या टैक्स अदायगी की रेशो मोस्टली 90% से अबाव है, जिसके मुकाबले में आप देखें कि हमें यहाँ सहूलतें क्या दी जा रही हैं और टैक्स पेयर को उनके जायज़ पैसे का क्या सिला दिया जा रहा है। तकरीबन जैसे ये सदर साहब ने फरमाया ताजरान के, कि 4 साल से ये नाला ओपन पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ताफुन फैल रहा है बल्कि आप ये देखिए कि इसके साथ साथ हमें अब रात को 9 बजे के बाद इवन बाहर जाते हुए डर लगता है, क्योंकि स्नैचिंग बढ़ चुकी है। स्ट्रीट लाइट का ना होना भी इसमें एक बड़ी वजह है, वो स्ट्रीट लाइट भी इसी वजह से, अगर आप कैमरा फोकस कर सकें तो आप देखें कि स्ट्रीट लाइट ना होने की एक वजह शायद ये नाले के किनारे पोल का लगा होना भी है, क्योंकि वो आते हैं अपनी सिचुएशन देख के ए सी वाले चले जाते हैं कि जब तक नाला नहीं बनेगा तो शायद ये इसके ऊपर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं। तो मेरा अपनी ओपिनियन तो यही है कि गवर्नमेंट को इस सिलसिले में फौरी तौर पर, अगर वो टैक्स ले रहे हैं तो हमें उसकी फैसिलिटी भी मुहैया करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी इनकी आपने, इनका कहना यह है कि टैक्स जो है वो आवाम से इसलिए वसूल किया जाता है ताकि वो आवाम पर ही खर्च किया जा सके, उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी की जा सकें, उनके बुनियादी मसाइल हल किए जा सकें, लेकिन कराची के इस अहम तरीन डिस्ट्रिक्ट के पोश एरिया की सूरत हाल हमने आपको कैमरे की आँख से दिखाने की कोशिश की, लोगों के व्यूज़ भी आपको सुनाए। उनका कहना ये था कि हुक्मरानों के कानों पर जू नहीं रिंग रही है, बेबसी की तस्वीर बने दिखाई देते हैं ये शहरी हमको। मेरे कैमरामैन आसिफ नूर से मैं एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा कि इस नाले को फोकस करें और दिखाएं कि इस मसरूफ तरीन शारा, एक अंदाजे के मुताबिक यौमिया यहां से 10 लाख के लगभग जो गाड़ियां हैं वो गुजरती हैं, लेकिन शायद हुकूमत सिंध और जो कराची की शहरी इंतजामिया है वो शायद गफलत की नींद सो रही है और मामला जो है वो सियासी पेचीदगियों में उलझे हुए हैं, जिसका खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। इस रविश को चेंज करने की ज़रूरत है, तब्दील करने की ज़रूरत है। ये अहम तरीन चारा जो है गैर मुल्की अफराद की आमदोरफ्त की जगह भी है और बड़ा गलत तासुर लेकर जाते हैं गैर मुल्की अफराद कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, कराची की इंतज़ामिया के हवाले से, जिसको बेहतर करने के लिए हुकूमत को हकीकी मायनों में और संजीदा इकदाम जो है वो उठाने की ज़रूरत है ताकि शहर और शहरियों के मसाइल हल हो सकें और ये शहर एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन हो सके। मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कराची शहर को, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन जो है वो यहाँ से की जाती है, लेकिन गुज़िश्ता चंद दहाइयों की अगर बात की जाए, तकरीबन 1 से 1.5 दहाई में इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। देखने में ये आया है कि नए मनसूबे तो धड़ाधड़ शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन जो पुराने मंसूबे मौजूद हैं जो कि पाया तकमील को पहुंच चुके हैं और आवाम के जेर इस्तेमाल हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की तवज्जा उस पर नहीं दी जा रही, उसकी देखभाल नहीं की जा रही, जिसकी वजह से जो मसाइल हैं वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करते दिखाई दे रहे हैं। इस रविश को फिल फॉर चेंज करने की जरूरत है। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बान। मजीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए K21 न्यूज। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि खुदा की बस्ती, तेसा टाउन, दर्जनों देहात और लियारी एक्सप्रेसवे के अतराफ की आबादियों की अहम गुजरगाह एक साल से बदतरीन टूट फूट का शिकार है। शहर के दीगर फ्लाईओवर्स भी इंतजामिया की तवज्जो के मुस्तहिक हैं।
کراچی کی اگر بات کی جائے، اس کے ترقیاتی منصوبوں کی بات کی جائے، گزشتہ 10-15 سال پر اگر نظر دوڑائی جائے تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ نئے پروجیکٹس بہت تیزی سے بن رہے ہیں، لیکن پرانے جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے حکومت سندھ ہو یا پھر کے ایم سی ہو یا ضلعی حکومتیں ہوں، آنکھیں موندے دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے شہر کا جو پرانا انفراسٹرکچر ہے، جو ترقیاتی منصوبے ہیں، وہ بدترین زبو حالی کا شکار ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں سرجانی ٹاؤن عبداللہ موڑ سے تھوڑا سا آگے ایک پل ہے جو کہ لیاری ندی پر قائم ہے، اور یہ پل جو ہے واحد راستہ ہے خدا کی بستی کے مکینوں کے لیے، اطراف میں آباد 15-16 جو گوٹ ہیں ان کے مکینوں کی آمد و رفت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسر ٹاؤن، گلشن معمار اور لیاری سے آمد و رفت کرنے والوں کے لیے جو ہے یہ واحد راستہ ہے، جس کی صورتحال میرے کیمرہ مین آصف نور میرے عقب میں آپ کو دکھائیں گے کہ گزشتہ ایک سال سے اس پل کی جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ انتہائی خستہ حالی سے یہ پل دوچار ہے، جگہ جگہ گہرے گڑے جو ہیں وہ پڑ چکے ہیں، کانکریٹ اس کے اوپر سے غائب ہو چکا ہے، اور جو سریے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور ان سریوں سے زیر زمین حصہ بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ساری صورتحال آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ کوئی ایک یا دو مہینے کا نہیں ہے، دنوں کا نہیں ہے، مہینوں کا نہیں ہے، بلکہ سالوں بیت گئے۔ جی ہاں، یہاں کے جو رہائشی ہیں، یہاں سے گزرنے والے جو لوگ ہیں، ان سے بات ہوئی ہے ہماری، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے لیکن اس پل کی خستہ حالی دور کرنے کے لیے کہیں سے بھی انتظامیہ کے سر پر جو ہے وہ جوں روئیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کی مرمت جو ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے، اس پہ جو حفاظتی بیریئر لگانے چاہیے اس تاکہ مسافروں کو جو ہے آگاہی حاصل ہو سکے۔ خاص طور پہ بات کی جائے رات کے اوقات کی، تو رات کے اوقات میں یہاں پہ صورتحال کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ اس پل کے اوپر جو اسٹریٹ لائٹس نظر آ رہی ہیں انہیں بجھے ہوئے سالوں بیت چکے ہیں۔ جی ہاں، اندھیرا گھپ اندھیرے کا راج ہوتا ہے، اور اس پر موجود یہ خطرناک گڑھے آئے دن حادثات کا سبب بن رہے ہیں، خاص طور پر اس کا نشانہ بنتے ہیں موٹر سائیکل سوار، موٹر سائیکل سوار فیملیز، اس کے علاوہ جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ سنگین نوعیت کے حادثات جو ہے وہ معمول بنے ہوئے ہیں، آئے روز کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو کوئی سر پھٹا یہاں پہ شخص جو ہے اس گڑھوں کی وجہ سے گھومتا دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ اس خستہ حالی کو دور کرنے پر انتظامیہ کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ بتاتا چلوں آپ کو کہ یومیہ بنیاد پر یہاں سے 3.5 سے 4 ہزار کے لگ بھگ جو ہے موٹر سائیکل سواروں کا گزر ہوتا ہے، اس کے علاوہ مجموعی طور پر اگر ٹریولنگ کی بات کی جائے تو تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ افراد یومیہ بنیاد پر جو ہے اس پل کو اپنی آمد و رفت کے لیے، اپنے روزی روزگار پر جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر آمد و رفت بھی جو ہے اسی پل سے ہوتی ہے۔ واحد راستہ تصور کیا جاتا ہے یہ تیسر ٹاؤن، گلشن معمار، خدا کی بستی اور 15-16 سے زائد جو گوٹ ہیں ان کے رہائشیوں کی آمد و رفت کے حوالے سے، اگرچہ ایک دوسرا راستہ بھی سرجانی کی طرف سے ہے لیکن وہ راستہ انتہائی خستہ حالی سے دو چار ہے، اور وہاں پہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کا ریشو بہت زیادہ ہے۔ اسٹریٹ کرائم اس مقام پر بھی جو ہے بہت زیادہ بتایا جاتا ہے، یہاں کے جو مسافر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مغرب کے بعد یہ علاقہ جو ہے ان کے لیے نو گو ایریا بن جاتا ہے، اکثریت کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے یہاں سے ان کا گزر نہ ہو، کیونکہ ان جو پل کے اوپر گڑھے پڑے ہوئے ہیں ان گڑھوں کی وجہ سے گاڑی کی رفتار جو ہے عموماً سلو ہوتی ہے، اور گاڑی آہستہ ہوتے ہی جو ہے وہ ارد گرد سے جو ہے وہ اسٹریٹ کرمنلز نمودار ہوتے ہیں اور لوگوں کی جیبیں جو ہیں وہ خالی کر دیتے ہیں، ان کا مال و اسباب جو ہے وہ چھین لیتے ہیں، موبائل فون سنیچنگ یہاں پر عام ہے۔ تو اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے یہ پل جو ہے وہ صرف چند گھنٹوں کے لیے دن کی روشنی میں استعمال کرنے کے قابل رہ گیا ہے، اور وہ بھی انتہائی پرخطر انداز میں جو ہے یہاں کا سفر بنا ہوا ہے، اس قدر عاجز دکھائی دیتے ہیں یہاں کے لوگ کہ اس کو پل سرات کے سفر سے جو ہے تشبیہ دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ متعدد مرتبہ جو ہے وہ انتظامیہ کو آگاہ کرنے کے باوجود اس پل کی مرمت کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا ہے،
और लोगों की जानो माल के तहफ्फुज़ के लिए ऐसा लगता है कि हुकूमत शायद सो रही है। शहरियों का यह भी कहना है कि कराची मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, सबसे ज़्यादा टैक्सेस जो है यहाँ से दिए जाते हैं, मगर यहाँ के शहरियों को किसी किस्म की कोई सहूलत जो है वो फराहम करने में संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। बिजली पानी और कचरे से आजिज शहरियों को अब बेहतर सफरी सहूलियात भी जो है वो दस्तयाब नहीं है। जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पहले तामीर हुआ था उसकी देखभाल ना होने की वजह से इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। लोगों का जानो माल जो है वो दाव पर लगा हुआ है। हुकूमत को गफलत की नींद से फौरी बेदार होने की ज़रूरत है। इस पुल की जो है फौरी मरम्मत का आगाज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई है, उनका क्या कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। के 21 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंतहाई मुस्बित कदम उठाते हुए और यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए और यहाँ के मामलात को हुकाम बाला तक पहुँचाने के लिए। अभी जिस मकाम पर हम खड़े हैं ये खुदा की बस्ती, न्यू लियारी एक्सप्रेसवे और दीगर मुतादिद गोठों को ये वाहिद रास्ता है जो मिलाता है, और ये जो पुल है ये अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। सबसे पहले तो मैं हुकाम बाला से ये मुतालबा करता हूँ आवाम की तरफ से और अपनी तरफ से कि जिन लोगों को ये ठेका दिया गया था उनसे पूछा जाए कि इतना नाकिस मटीरियल क्यों इस्तेमाल किया गया कि ये पुल टूट फूट का शिकार है। और इस पुल की वजह से टूट फूट के शिकार होने की वजह से बहुत सारे हादसा रोनुमा होते हैं। यहाँ से गुजरते हुए सैकड़ों गाड़ियाँ बसा औकात रात के वक्त में उमूमन ये वाकयात पेश होते हैं कि कई लोग अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे हैं। बिलखसूस रात के औकात में यहाँ से अगर थोड़ा सा आगे चलें तो आधा किलोमीटर आगे से एक वन वे सिंगल सड़क शुरू होती है जो तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता है, और वो सिंगल सड़क है जिसकी वजह से यहाँ पर इतने ज़्यादा वाकयात होते हैं कि एक हफ्ते में 2 से 3 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और मैं ये समझता हूँ इन तमाम तर की जिम्मेदारी हुकाम बाला पर है। अगर वो इस पुल को मरम्मत करवा देते तो आज इतनी जानों का ज़्याया ना होता। अब वो जो रोड इस टाइम सिंगल है और वो सिंगल रोड की वजह से, वन वे रोड की वजह से जो हादसा रोनमा हो रहे हैं, ये तमाम तर जिम्मेदारी हुकाम बाला पर आयद होती है। ये सड़क यहाँ से हमारा रोज़ आना जाना होता है, यहाँ पे आए दिन हादसा होते हैं, कभी डंपर का, कभी पानी टैंकर का, कभी बाइक वालों का, कभी रक्षे वालों का, और आए दिन ऐसा लगता है ये सड़क नहीं है, किसी हॉस्पिटल का इमरजेंसी सेंटर है। आए दिन हर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद कोई ना कोई एम्बुलेंस किसी न किसी को लेके जा रही होती है। बहुत जानों का ज़या होता है और बाइक वाले अक्सर इस गड्ढे में घुस जाते हैं नीचे, और टैंकर 2-3 दफ़ा तो टैंकर भी फंस गया है, उसकी वजह से 1-2 बंदों की जान भी गई है। लिहाजा इस पर कोई अमल किया जाए, इसको बना, ये तकरीबन इसको 3-4 साल हो गए हैं देखते हुए, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई इसको ठीक करने नहीं आया। लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, कोई रात में तो बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि आगे से आप देख रहे हैं चढ़ाई है, वहाँ से गाड़ियाँ बहुत स्पीड में आती हैं और गड़ा सेंटर में वो नज़र नहीं आता है किसी को। अक्सर बाइक वाले गड़े के अंदर घुस जाते हैं, अगर उधर से कोई गाड़ी दूसरी साइड से ओवरटेक करती हुई आती है तो उधर से तो लाजमी वो घुसते हैं गड़े के अंदर। ये स्ट्रीट लाइटें भी बंद हैं, इसकी वजह से जराइम भी बहुत होता है, वारदातें बहुत होती हैं। हम तो रक्षे वाले हैं, आए दिन सवारियों को हमें भी लूट लेते हैं, इधर तक कि वो चप्पलें तक भी ले जाते हैं, पैसे तो आप जोड़ें। ये बस्ती लियारी तेसर टाउन और सरजानी आपस में कनेक्ट करते हैं। ये रास्ता तकरीबन कुछ नहीं तो मैक्सिमम जो है 30,000 लोगों के तो चलने का रास्ता है, क्योंकि आगे बहुत बड़ी आबादी है और बहुत कसीर आबादी है आगे। ये आबादी जो है ये अपना खुदा की बस्ती है लियारी एक्सप्रेस से, और यही रोड निकलते हैं गुलशन मेमार, वो भी इस्तेमाल करते हैं, और जो है यहाँ पे कम से कम रोज़ आने की हज़ारों गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ इतनी तकलीफ़ है इसके ऊपर, उस दिन भी मैं आ रहा था कि मोटरसाइकिल वाला इस जम में गिरा और उसकी टांगें जो है ना बस दोनों गिर गई, और बड़ी मुश्किल से उसको उठाया, रश्का गिरते हैं, जो गाड़ी आती है वो गिरते हैं आगे पीछे जो है ना, बड़ी तकलीफ है इधर हम लोगों को इस पुल की वजह से। रात के वक्त लूटमार इसी वजह से होती है कि जब यहाँ से देख के गुजरना होता है, जैसे थोड़ा सा स्लो किया और इधर दाएं बाएं से आ जाते रोको भाई इधर, वहाँ से लूटमार भी करते हैं, ले लेते हैं जो कुछ। दरख्वास्त किसको दें, कौन सुनता है? तब्दीली तो नाम की आई हुई है, तब्दीली को नाम की आई हुई है। इमरान खान साहब तो कुछ कर नहीं रहे, ये नाम की तब्दीली है सर, ये हम लोगों को जलील करने की तब्दीली और कुछ नहीं। परेशानी ये है कि हम लोग रात को कभी कभार 3 बजे 4 बजे भी आते हैं तो ये कभी कभार नज़र भी नहीं आता। अभी तो और काफ़ी टूट चुका है ये, पहले तो थोड़ा बहुत टूटा हुआ था, अभी तो काफ़ी टूट चुका है। इधर बहुत सारे वाकया ऐसा हुआ है कि बंदा कोई दुनिया से भी चला गया, तो
तो इसका कोई तवज्जो नहीं है किसी का, कोई वो ही नहीं कर रहे हैं, कोई देख रहे हैं तो फिर भी नहीं करवा रहे, कोई डंपरे गलटी हुए हैं, मोटरसाइकिल वाले के हुए हैं, रिश्के वाले हुए हैं। और कभी कभार ऐसा तो वाक्या है कि मेरे साथ खुद भी वाक्या हुआ है, यह हकीकत वाक्या है, मेरे को भी खुद इधर लूटा है, मैंने गाड़ी स्लो किया, हमने बोला यह टूटा हुआ क्या पता गिर जाए, तो उसके वजह से रोका तो बस साइड पर लगा दिया गाड़ी, जो पैसे थे मोबाइल थे सारे लूट के ले जाए। कराची में तालीमी इदारों के अतराफ तजावजात के खात्मे की ज़रूरत अपने इंतहा पहुँच चुकी है। तजावजात की भरमार की वजह से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में स्कूल औकात कार में भी ट्रैफिक जैम होता नजर आता है। तालीमी इदारों के गिर्दोनवा तजावजात का खात्मा यकीनी बनाने की अहमियत नज़रअंदाज कर दी गई। बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो स्कूलों और तदरीसी मदारिस के गिर्दोनवा को तजावजात से पाक रखे। तजावजात की भरमार की वजह से स्कूल औकात कार में ट्रैफिक जैम हो जाता है। सुबह तदरीसी इदारों में आमद और बाद अज़ां वापसी के दौरान तजावजात की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम से शहरी जहनी अजियत का शिकार हो जाते हैं। बलोच कॉलोनी, यूनिवर्सिटी रोड समेत शहर की अहम शाहराओं पर तालीमी इदारों के गिर्दोनवा में ट्रैफिक जैम रहता है। जंगल के कवानीन की तरह तजावजात का हर जगह मौजूद होना बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी पर हुर्फ तनकीद लाए हुए है। बल्दिया उस्मा कराची तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कर रही है। तजावजात की भरमार इस कदर है कि होने वाली कार्रवाइयाँ ऊँट के मुँह में जीरा दिखाई दे रही है। मेयर कराची वसीम अख्तर बुनियादी अहमियत समझते हुए तदरीसी इदारों के गिर्दोनवा को तजावजात से पाक करने की खसूसी मुहिम चलाएं। इस वक्त मुहिमात का दायरा कार वाटर कमीशन की हिदायत से आगे नहीं बढ़ रहा है। वाटर कमीशन के अहकाम की पासदारी में मस्कोरा मसले को भी शामिल कर लिया जाए तो तलबा व तालिबात समेत शहरियों के लिए भी मुनासिब इकदाम होगा। तर्जमान वाटर बोर्ड की जानिब से बुलंदोबांग दावों के बरक्स शहर में किल्लत आब और सीवरेज मसाइल शहरियों के लिए सबसे अहम मसला बना हुआ है। इनमें नॉर्थ कराची सेक्टर 5C1 भी शामिल है। आबादी के लिहाज से बेहतर इलाका तस्वुर किया जाने वाला नॉर्थ कराची सेक्टर 5C1 के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद गलियां उबलते गटरों के पास गंदे नाले का मंजर पेश कर रही हैं। मकीनों और कारोबारी अफराद का कहना है कि ताफुन और गंदगी के साथ आमदोरफ के रास्ते सीवरेज के नाकारा निजाम ने बंद कर रखे हैं। इस इलाके के मकीनों की भी वही दुहाई है जो शहर के दीगर हिस्सों के मकीन करते चले आ रहे हैं, और वो यही कि इंतजामिया सीवरेज निजाम दुरुस्त कर दे और पानी की फरहमी 1.5-2 साल पहले वाली पोजीशन पर ले आए। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ इधर में हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए K24 न्यूज़।